नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आप लोगों को गुलजार साहब की चंद पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। पहले लोगों में किताबें पढ़ने की अच्छी आदत थी, लेकिन धीरे धीरे अब लोग दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर के और लैपटॉप से चिपके रहते हैं, जिससे धीरे धीरे उनमें किताबें पढ़ने की आदत लगभग छूटती सी जा रही है। गुलजार साहब ने इसी को ध्यान में रखकर बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां लिखी हैं और इसका शीर्षक है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सल कभी मरते नहीं थे, जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, जबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया है। जबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं।